विक्रम तो कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो बेताल होने की नियति से मजबूर हूँ। मैं तो तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। अब मैं तुझे न्याय की कथा सुनाता हूँ, अपने समय की सबसे न्यायशील रानी भानुमती की। महारानी जी, ये गरीब लुट गया, बर्बाद हो गया, जीवन भर जो कमाया था पल भर में जलकर राख हो गया। महारानी जी, कुछ भी शेष नहीं बचा। जीवन तो शेष बचा है ना? देखा महारानी जी, कैसे आपके समूह की मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। महारानी जी, अगर आप यहाँ नहीं होती तो ये गरीब तो कब का मर चुका होता। बानिक शांत हो जाइए। सेनापति जी, ये सब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ? महारानी, ये दोनों जुड़वा भाई सुयोग और दुर्योग हैं, जिन्होंने बनिक के घर को आग लगा दी। क्या ये सत्य है? महारानी, यदि कोई ब्राह्मण कुमारों को भिक्षा नहीं देगा तो उसे श्राप तो लगेगा ना? महारानी जी, यदि कोई गरीब अपने परिश्रम का धन इन सब में भिक्षा में लुटाता रहेगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? इस गरीब का न्याय कीजिए महारानी जी। शांत, भिक्षा स्वेच्छा से दी जाती है। ये बाणी की इच्छा है कि वो भिक्षा दे अथवा नहीं, किंतु आप दोनों ने उनका घर चलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। सेनापति जी, हमारे राज्य में इस अपराध का क्या दंड है? महारानी, 8 वर्ष सश्रम कारावास। तो ठीक है, इन्हें ले जाया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। क्षमा कीजिए महारानी जी, क्षमा कीजिए, किंतु दुर्योग के अपराध का दंड मुझे क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया महारानी जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अर्थात? महारानी जी, आप केवल दुर्योग ने लगाई थी, मैंने नहीं। मैं निरपराध हूँ महारानी जी, मैं निरपराध हूँ। महारानी, सुयोग सत्य बोल रहा है, मेरे पुत्र जुड़वा अवश्य है, परंतु व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। दुर्योग क्रोधी और तामसी प्रवृत्ति का है, लेकिन सुयोग सदाचारी प्रवृत्ति का है। यदि ऐसा है तो ये सचमुच सुयोग के साथ अन्याय होगा। केवल शरीर के जुड़े होने के कारण दुर्योग के अपराध का दंड सुयोग को नहीं मिलना चाहिए। महारानी जी, अगर आप किसी को दंड नहीं देंगी तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? महारानी, निरपराध को दंड देना और अपराधी को ऐसे ही छोड़ देना दोनों ही सबसे बड़े अन्याय हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में केवल आप ही न्याय कर सकती हैं महारानी। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है, इसका निर्णय हम कर लेंगे। विक्रम, तू भी पड़ गया ना सोच में अभी? चल बता, यदि तू इस परिस्थिति में होता तो तू क्या करता? मैं बताता हूं, या तो तू दोनों जुड़वा भाइयों को दंड दे देता या दोनों को अपराध मुक्त कर देता, क्योंकि तू मान न मान, यही है तेरा स्वभाव, आर या पार। महारानी, निरपराध को दंड देना और अपराधी को ऐसे ही छोड़ देना दोनों ही सबसे बड़े अन्याय हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में हमारी सहायता केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। महारानी, राजयोगी जी का वो इस समय अपनी योग साधना में लीन है, आप लोग आइए मेरे साथ। ठीक। Thank you.
आरजी योगी जी प्रणाम। कल्याणमस्तु। राजयोगी जी, ऐसे असमय में आने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं महारानी, प्रातः काल का समय है, ईश्वर से जुड़ने का सबसे शुभ समय है, आप बिल्कुल उचित समय पर आई हैं। राजयोगी जी, जिस प्रकार आप इस पर्वत को अपनी त्राटक विद्या से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप इसे भेदना चाह रहे हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है महारानी, इसके संबंध में क्यों वदंती है? जब असुर और देवों के बीच संग्राम छिड़ गया था और असुर देवों के हाथों मारे जा रहे थे, तो उन्हें इसी पर्वत की किसी कंदरा में लाया जाता था। किंतु क्यों? क्योंकि क्यों वदंती के अनुसार इस पर्वत में जीवन द्रव्य नाम की एक औषधि है, जिससे मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप किंवदंतियों पर विश्वास करते हैं? क्यों वदंती सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। मैं तो केवल अपनी त्राटक विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजयोगी जी, आपके पास इतनी बड़ी विद्या, ये आपको वरदान लगती है या अभिशाप? महारानी, जिसके पास शक्ति होती है उसके लिए वो वरदान होता है, और जिस पर शक्ति का प्रयोग होता है उसके लिए अभिशाप। अर्थात एक ही कार्य किसी के लिए वरदान हो सकता है और वही कार्य दूसरे के लिए अभिशाप भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजयोगी जी, आप धन्य, आपके पास आने मात्र से ही हमारी दुविधा समाप्त हो गई, हमें आज्ञा दीजिए। परंतु दुविधा क्या थी महारानी? राजयोगी जी, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम न्याय नहीं कर पा रहे थे, किंतु आपने बिना कुछ कहे हमारी उलझन सुलझा दी। शुभम भवतु। राजयोगी जी, आपकी विद्या के सम्मुख ये हार कुछ भी नहीं, यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। कल्याणमस्तु। विक्रम, कभी कभी यूं हो जाता है कि गीत कोई कहीं गाता है और गूंज किसी के उर में उठती है। वही रानी भानुमती के साथ हुआ। राजयोगी ने कुछ और बात कही थी और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है, अपराधी को दंड और निरपराधी को अनुकूल जीवन, यही भानुमती का न्याय है। किंतु महारानी, ऐसी परिस्थिति में अपराधी और निरपराधी दोनों का एक दूसरे के साथ रहना विवश है। अवश्य, इसीलिए हमने निर्णय लिया है दुर्योग और सुयोग, धार्मिक शिक्षा हेतु 8 वर्ष के लिए आश्रम में जाएंगे। क्षमा महारानी, किंतु इससे तो दुर्योग भी स्वतंत्र हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दुर्योग एक अधार्मिक और तामसी प्रवृत्ति का है, जिसके लिए आश्रम जैसा पवित्र स्थान भी कारावास से कम नहीं, और सुयोग एक धार्मिक प्रवृत्ति का है, जिसके लिए आश्रम एक अनुकूल स्थान है। अर्थात दुर्योग के लिए कारावास और सुयोग के लिए वरदान। हाँ सेनापति जी, और एक बात और, दुर्योग को सुयोग की सारी बातें माननी होंगी। यदि दुर्योग ने सुयोग की किसी भी इच्छा का प्रतिरोध किया तो उसके दंड की अवधि 8 वर्ष से 14 वर्ष कर दी जाएगी, और ये हमारा आदेश है। महारानी, ऐसी जटिल परिस्थिति में इतना सरल न्याय
ऐसा न्याय केवल आप ही कर सकती हैं महारानी। एक तरफ रानी के किए न्याय की प्रशंसा हो रही थी, वहीं एक ऐसी घटना रानी की प्रतीक्षा कर रही थी जो उनके न्यायशीलता पर सवाल उठाती। महारानी, वो राजयोगी। क्या हुआ राजयोगी जी को? राजयोगी जी की हत्या कौन कर सकता है? सुना विक्रम, कुछ समझ में आया? ईश्वर की कैसी कैसी माया। जिस राजयोगी जी को माना था रानी भानुमति ने अपने गुरु समान, उस ध्यानी ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष की कर दी थी किसी ने हत्या। महारानी, राजयोगी का हत्यारा मिल गया। यह हत्या इसने की है। ऐसा क्यों किया तुमने? राजयोगी जैसे भले मनुष्य के साथ तुम्हारी क्या शत्रुता? हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें उत्तर दो। क्यों किया चारी की हत्या? ये चोर ऐसे नहीं बोलेगा, मैं बताता हूं महारानी। ये हार आपने राजयोगी जी को दिया था, इसके घर से मिला है। अवश्य हार के लालच में इसने राजयोगी जी की हत्या की है। एक हार के लिए तुमने विद्वान आचार्य की हत्या कर दी। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं। तुम्हारे इस अपराध का दंड मृत्युदंड है। सेनापति जी, ले जाइए इस हत्यारे को। नहीं महारानी। चलो, नहीं आओ मेरे साथ। मिट्टी का तन, क्षण भर का जीवन, बस यही है हम सब का परिचय विक्रम। जो राजयोगी भानुमति जैसी न्यायप्रिय और बुद्धिमान महारानी का मार्गदर्शन किया करता था, उसका जीवन एक पल में छिन गया। राजयोगी जी की हत्या को लेकर रानी भानुमति न केवल दुखी थी बल्कि उनकी हत्या के लिए स्वयं को ही दोषी मान रही थी। अब इस अपराध बोध में वो डूबती जा रही थी। महारानी जी, आखिर कब तक आप स्वयं को राजयोगी जी की हत्या का दोषी मानते रहेंगे? हम क्या करें सेनापति जी, हमारे मन में यही सवाल घूम रहा है कि काश हमने वो हार राजयोगी जी को ना दिया होता। महारानी, समझने का प्रयास कीजिए। उस अपराध में आपकी कोई भूमिका नहीं थी। जिस चोर ने यह अपराध किया था उसे मृत्युदंड दिया जा चुका है। सेनापति जी, तर्क की दृष्टि से ये बात सत्य है, किंतु हमारे मन को, हमारे अंतर मन को हम क्या उत्तर दें? सेनापति जी, आप जाइए और जाकर राज्य कार्य देखिए और हमें कुछ और वक्त के लिए अकेला छोड़ दीजिए। महारानी, राजयोगी जी, मेरा न्याय कीजिए महारानी, मेरा न्याय कीजिए। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है, हमें न्याय करना ही होगा। विक्रम, जिस मनस्थिति में रानी भानुमति थी उससे बाहर निकलने के लिए उसके पास दो मार्ग थे। एक, इस घटना को पूरी तरह भूल जाएं, और दूसरा,
आचार्य राजयोगी जी को जीवित कर दे। फिर एक रात उन्हें आया स्मरण और वो निकल पड़ी ऐसे कार्य करने के लिए जिससे बढ़ने वाली थी उसकी दुविधा, परेशानी और अड़चन। नहीं है महारानी, जब असुर और देवों के बीच संग्राम छिड़ गया था और असुर देवों के हाथों मारे जा रहे थे तो उन्हें इसी पर्वत की किसी कंदरा में लाया जाता था। किंतु क्यों? क्योंकि किंवदंती के अनुसार इस पर्वत में जीवन द्रव्य नाम की एक औषधि है जिससे मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। महारानी, क्या आपको उस किंवदंती पर विश्वास है? क्या आपको लगता है कि सचमुच इस पर्वत में जीवित कर देने वाली कोई औषधि है? सेनापति जी, राजयोगी जी को विश्वास था और अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास केवल एक यही मार्ग है। ये इस स्थान का सबसे प्राचीन मानचित्र है, किंतु इसमें इस पर्वत को संगीत के सुरों के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए, देखिए, इस पर्वत का संगीत के स्वरों से क्या संबंध हो सकता है? विक्रम, जिस दानव को कोई नहीं खोज पाया था, जिसका भेद कोई नहीं जान पाया था, उस तक पहुंचने के लिए रानी ने अपने अंतर मन की शक्ति को जगाया, प्रकृति और मानव की शक्ति को एक लय कर दिया और सदियों पुराने रहस्य को भेद कर दानव के सामने जा पहुंची। भानुमती है। 5000 वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया, न राजा न रानी, न देव न दैत्य, न किसी को मारने न जीवित करने, फिर तुम क्यों यहाँ आई हो? दानवराज जी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारे कारण किसी योगी पुरुष की हत्या हुई है। महारानी, ये कोई प्रायश्चित का स्थान नहीं है, जाओ, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। किंतु राजयोगी के साथ हमारे कारण अन्याय हुआ है और जिस अन्याय के कारण ना हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। तो मेरे विश्राम में विघ्न क्यों डाल रही हो? इससे पहले कि हमें क्रोध आ जाए, चली जाओ। दानव राज जी, हमारी सहायता कीजिए, हमें न्याय करने के लिए जीवन द्रव्य चाहिए, हमारी सहायता कीजिए दानव राज जी। महारानी, संसार में बिना मूल्य कुछ नहीं मिलता और तुम तो किसी को भी जीवित कर देने वाला जीवन द्रव्य लेने आई हो, बदले में मुझे क्या मिलेगा महारानी? कुछ भी, जो आप चाहें। अच्छा, कुछ भी? तो क्या महारानी भानुमती न्याय के लिए अपना जीवन दे सकती है? हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है। अगर जीवन ले लिया तो आप न्याय कैसे करेंगी? आयु, दानव राज को तुम्हारी आयु चाहिए। हमें स्वीकार है। जैसी आपकी इच्छा महारानी भानुमती। Ha 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 ha